नमस्कार, मैं विपिन शर्मा, जिला अध्यक्ष आल जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख टीचर्स फेडरेशन रामबन। मेरे साथ मेरी जिला कार्यकारिणी। जैसे कि आज हमने माननीय एलजी महोदय को सीओ के माध्यम से जम्मू कश्मीर के अंदर जो शिक्षकों की समस्याएं हैं उनको लेकर एक ज्ञापन सौंपा है, और उसमें चार प्रमुख ऐसी समस्याएं हैं जो जम्मू संभाग के अंदर पिछले 6 से 7 वर्षों से पेंडिंग पड़ी हुई है। तो वह सारी चार समस्याएं जो है मैं वो आप सबके सामने रखूंगा। तो सबसे पहली उसमें जो समस्या है वो है कि जम्मू संभाग के अंदर 2014 से जो टीचर्स टू मास्टर्स की जो डीपीसी हुई है वो आज तक हुई नहीं है। दूसरी जो हमारी समस्या है वो ये है कि जम्मू संभाग के अंदर, या हम पूरे जम्मू कश्मीर की बात करें, तो टीचर्स की जो ट्रांसफर पॉलिसी है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। ट्रांसफर पॉलिसी तो है, लेकिन कहीं ना कहीं जब डिपार्टमेंट ट्रांसफर्स को लेके एक अपना ड्राइव चलाना शुरू करता है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर बहुत सारी खामियां हमें सामने देखने को मिलती है। और उसका अगर हम बात करें कि पिछले 2 साल से हमारे जम्मू संभाग के अंदर ट्रांसफर्स को करने की कोशिश की जा रही है तो वो अभी तक हुई नहीं है। तो तीसरी इसी के अंदर जो हमारी मुख्य मांग है वो ये है कि जम्मू संभाग के अंदर, जम्मू संभाग ही नहीं पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, एनुअल ट्रांसफर ड्राइव डिपार्टमेंट ने चलाया था, लेकिन पिछले 8 महीने से हम देखें तो वो ट्रांसफर ड्राइव जो है आज तक कंप्लीट नहीं हुआ है। हमारे रामबन की अगर प्रमुखता से बात करें तो ये एनुअल ट्रांसफर ड्राइव जो है इसकी लिस्ट 1 महीना पहले हमारी जो है डायरेक्टरेट को गई है, लेकिन उसका अप्रूवल जो है आज तक नहीं मिला है। चौथी हमारी मुख्य जो डिमांड है इसके अंदर वो है कि टीचर पे एनोमलीज का इशू क्या है कि जैसे हम सबको पता है कि 2019 में जो है हमारी स्टेट जो है यूटी बन चुकी है। तो हमारी ये मांग है कि जो दूसरे यूटीज के अंदर जो टीचर्स का जो पे ग्रेड है वो जम्मू कश्मीर के अंदर भी जल्द से जल्द जो है वो लागू की जाए। तो इसमें जो हमारी डीपीसी है 2014 में जो हुई थी, मैं उसके ऊपर बताना चाहूंगा, कुछ आपके सामने आंकड़े रखना चाहूंगा कि इस चीज को लेकर हमारा संगठन जो है वो पिछले कई वर्षों से अधिकारियों से मिला, लेकिन उनका हमेशा यही रवैया रहा कि हमारे डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो पोस्ट खाली नहीं है। लेकिन उसी चीज को मैं आपके सामने लाना चाहता हूं कि हमारे जम्मू संभाग के अंदर आज के समय में अगर हम देखें तो कुल 4103 पोस्टें जो हैं वो मास्टर ग्रेड्स की खाली हैं, जिसमें नॉन प्लान की 1687 पोस्टें हैं, एसएससी की जो हैं 1635 पोस्टें हैं, और जो रमसा की हैं वो 781 पोस्टें हैं। तो कुल मिलाकर जो है ये 4103 ऐसी पोस्टें बनती हैं जो जम्मू संभाग में खाली हैं, जिसकी वजह से टीचर्स भी पिछले 7 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। और इसका बुरा असर जो है, हम खास करके अगर ये बताएं कि जो हमारा पहाड़ी क्षेत्र है इसमें बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जो खाली पड़े हुए हैं पिछले 7 साल से। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगा, मैं एलजी महोदय से ये निवेदन करना चाहूंगा कि आप जल्द से जल्द इन अपना हस्तक्षेप इन मांगों के बीच में करें, और ये जो टीचर्स की जो 4 समस्याएं हैं इनको जल्द से जल्द सुलझाएं, ताकि जो है हमारे जम्मू संभाग के अंदर जो टीचर्स हैं वो अपनी परेशानियों को दूर कर सकें और जो बच्चों की परेशानियां हैं वो भी खत्म हो सके। अन्यथा हमें जो है अपनी मांगों को मनवाने के लिए हमारे पास पिछले 7 साल का संघर्ष चल रहा है, नहीं तो हमें फिर जो है रोड पे आना पड़ेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं जो आज की प्रेस वार्ता है।